नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। 25 मई सरकार के राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी सलाहकार समूह NTAGI के कोविड 19 संबंधी कार्य समूह के प्रमुख ने कहा कि यह मानने के कोई कारण मौजूद नहीं है कि आने वाले हफ्तों, महीनों या कोविड 19 की अगली लहर में बड़ी संख्या में बच्चे इससे प्रभावित होंगे। हालांकि उन्होंने बाल कोविड सेवाओं में सुधार के लिए अतिरिक्त संसाधनों की जरूरत पर जोर जरूर दिया। NTAGI के कोविड 19 संबंधी कार्य समूह के प्रमुख डॉक्टर एनके अरोड़ा ने PTI भाषा को दिए साक्षात्कार में कहा कि मौजूदा आंकड़ों भारत में वायरस के विभिन्न स्वरूपों द्वारा बच्चों या युवाओं को विशेष तौर पर प्रभावित करने संबंधी कोई पूर्वानुमान नहीं दिखाते हैं। उन्होंने चूंकि संक्रमण के कुल मामले बढ़े हैं, इसलिए दोनों आयु वर्ग के मरीज भी ज़्यादा नजर आ रहे हैं। INCLEN न्याय के निदेशक अरोड़ा ने कहा कि इस वक्त तीसरी लहर के बारे में कुछ भी अनुमान लगाना संभव नहीं है। अरोड़ा ने कहा कि अपने देश में जो अनुभव मिला है और दुनिया के अन्य हिस्सों में जो देखने को मिला है, उसके आधार पर यह मानने को कोई कारण नहीं है कि आगामी हफ्तों या महीनों में या कोरोना वायरस की अगली लहर में बड़ी संख्या में बच्चे इससे प्रभावित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।